अशत के ब्रेकअचे पद जी बानू सदा ब्रेकअचे सारे में डिस्कस कर गए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे जो एक डॉक्टर दरके है और एक प्राइवेट अच्छे दरके है तो दोनों तो कुछ ही डिफरेंस भी थे क्या अला एजुकेशन में गवर्नमेंट अभी अस्त प्राइवेट स्टैंडर्ड तो का फर्क है दोनों प्राइवेट डॉक्टर भी हाउस जॉब कंते कार सीखी गवर्नमेंट भी हाउस जॉब कं कार सीखी बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वज जाने कसा नहीं एक्सीडेंट है पेशेंट आ सेवला जिनाया अंश हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट आ तो कैजुअलिटी जो गेनिंग असते आ गवर्नमेंट के ज्यादा असते गवर्नमेंट तो वार्ड जाने पेशेंट बाज असते गवर्नमेंट हॉस्पिटल कारकुन के डॉक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस ज्यादा केस का ज्यादा कार बंडल सकबाज है कार बंडल बाज भी मुझे नहीं आपके कार के तो कने थे दस सफातर बया तो आ कार कने तो गेस्ट जाने मेडिकल भी अंशी तो अनुच्छु पेशेंट ज्यादा ट्रीट करने अनुच्छु ज्यादा तो जो अगर यक स्टूडेंट अस्ते जैसे सदफ है तो सदफ के दाचे पास आउट नहीं करके एमबीबीएस का तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाउस जॉब कितना का यही मामला जो माना ज्यादा मालूम नहीं कि गवर्नमेंट का कुछ का नका इसी मंत्र जी बहुत सब तो चीज सोचे था हाउस जॉब को जैसे पहले हाँ गवर्नमेंट अच्छी करना कुछ करना अच्छी यही मर्जी भी के आज चाहे अच्छी बेकार प्राइवेट अच्छी छह वास्तव भी टेस्ट भी और आई टेस्ट क्लियर कर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ट्रांसफर भी सो कोयटा या कसिया बनता अमुदा से आगुशी में कराची का आया जिनाया मना हाउस जॉब करनी आ कह दा इंटरव्यू दा सेलेक्ट भी ये मना नॉलेज आते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का आया थे अमा जगह के मेडिकल कॉलेज भी हमारी हॉस्पिटल तो हाउस जॉब खुद करने प्राइवेट में मना जाने के जी जानते हैं प्राइवेट भी मैं बता जो सीनियर साना दर्द का आने जिनाया हाउस जॉब करनी ऐसा दिया हाउस जॉब जी बानुक सदफ मैं फिक्र है जिसका लग लौटा के पांच साल ताश में कुजम कुजम कोर्स वाले कुजम सब्जेक्ट ना ज्यादा जोर देते या फोकस करते बेचारे जो डिफरेंट ईयर सब्जेक्ट जो है ना चेंज गया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट तवज्जो देती लेकिन जो दो सब्जेक्ट अस्से आ बिल्कुल सही वानगियां और ज्यादा इंटरेस्ट है वानगियां फर्स्ट प्रोफ मैं कर भी हमें साइंस सब्जेक्ट था फिजियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री ये साइंस सब्जेक्ट एक दुनिया ची अंचू इंटरलिंक का शुरू हो तो वानी तरह लगी के भला ही ची जमेल आई तो को पुत्र तुगा मैं रंधा के सज्जी चीजें तो जान है तरह फील भी की अब दुनिया एनाटॉमी तो को तो स्ट्रक्चर वाने की ए स्ट्रक्चर है फिजियोलॉजी तो को तो वाने की स्ट्रक्चर कार चुंगनी है बायोकेमिस्ट्री तो को तो वाने इसको केमिकल प्रोसेस सी गए फर्स्ट प्रॉफ तो कने तो बॉडी सब्जी प्रोसेस स्ट्रक्चर तो जाने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट प्रॉफ कुछ भी पर तो थर्ड ईयर है जब का थर्ड ईयर आ फार्मेसी थी के रास्ते आई तो ड्रग्स हैं सजे दरमान चू यूजेज एनी तरीका तो फोरेंसिक मेडिसिन वाने के तिकर मेडिकल लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं कहते अगर बुलेट केस है अथका अगर इंजरी केस है अथका कोई भी अच्छी केस है अथका तो कैजुअलिटी तो का तो ये डील को देखने मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हैं तो का थर्ड ईयर मैं कह सही सब्जेक्ट था पैथोलॉजी और फार्मेसी और फोरेंसिक मेडिसिन पैथोलॉजी तो का मैं फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी माने मैं नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी माने तो मैं पैथोलॉजी माने मैं एबनॉर्मल माने की बॉडी नॉर्मली अगर काम करने तो एबनॉर्मली चौंकनगे तीसरा मैं नॉर्मल मन थर्ड ईयर में एबनॉर्मली माने पदा मैं फार्मेसी माने आउटा मैं बायोकेमिस्ट्री मन था कि केमिकली ची बैगे एदा मैं ड्रग्स आना माने के मैं चेदर मन बैगे केमिकली या चुन एक्ट करेंगे केमिकली चू मश करनी है चू खराब करनी है और बाकी फोरेंसिक मेडिसिन तो कहो मैं कैजुअलिटी है केस है बुलेट केस है अंची इंजरी है कहते हैं कि माँ आइए डील करना पे जाने मेडिकल लेवल एस्पेक्ट समझे कि बानुक सदा शुम के प्रैक्टिकल या लैब जो वर्क था कोर्स मैप तो कहे इंक्लूड है फर्स्ट ईयर अच्छे इंक्लूड बैन थे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो अलग जो सब्जेक्ट्स है ना यानी अलग अलग प्रैक्टिकल्स भी बैन ताकि हमारा सही सही पूरा खबर बेचे नहीं थी शुमेकर अभी हमें क्राइटेरिया कोर्स मैप अमिशन मैकर भी फर्स्ट ईयर फिजियो एनाटॉमी डेमोस्ट्रेशन में फिजियो प्रैक्टिकल बैन बायोकेमी प्रैक्टिकल बैन थे पर थर्ड ईयर पैथो प्रैक्टिकल बैन थे और मैं करा बाकी जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड में बाकी प्रैक्टिकल लैब्स में करा बाज अल्लाह शुक्री शारीना गवर्नमेंट के बाद मनी प्रॉब्लम नहीं मोस्टली प्रैक्टिकल लैब्स स्लाइड्स आप प्राइवेट कॉलेज है इक्का अवेलेबल नहीं आते मोस्टली मैं करा कॉलेज अवेलेबल लैब्स वगैरह इसी अलावा बोलान मेडिकल कॉलेज इस चीज़ें मैं डिस्कस करना लगता है कि
बोला मैं तो ही आया कराची जो देखे कॉलेज असता गवर्नमेंट कॉलेज हम कंपेयर करिए और बोलान मेडिकल कॉलेज बलोचिस्तान है इनके यके मेडिकल कॉलेज है तो इस दोनों ने वहां लगा है दोनों ने जो उसमें चाहिए वहां के स्टैंडर्ड तो का छह फर्क है और तय क्या बोलान मेडिकल कॉलेज देखे कुजाम चीज बैग लोटा शर्त रही वास्ता के आइए जो इसके वाने के स्टैंडर्ड या ये जो देखे जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन देखे यहाँ बेहतर भी दिया पहला अगर मैं कंपेयर बिटवीन कोयटा मैं बोला मेडिकल कॉलेज और कराची एसएमसी या डीएमसी एम गोमा तो आई एम स्टैंडर्ड महाराजी को मैं ज्यादा है कि पच्चा ऐशानी मेरिट लेवल ज्यादा है इधर 90-80 वाला स्टूडेंट सीट सीरम माइक्रो 60-70 वाला भी सीट सीरम थे मतलब ये नहीं कि मैं ये कुछ न कहूँ कि माइक्रो एजुकेशन लेवल नहीं थे अगर इधर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अस्ता मैं माइक्रो भी पोस्ट ग्रेजुएट अस्ता माइक्रो अंशी टीचर्स अस्ता कि आया मैं वक्त लौट गया ब्याह माशु मारा इक्का तनखा दें इक्का तनखा दें इक्का जर दें ब्याह टीच करने बोले आ मैं वती टीचर है माँ श्रावण चाहिए कि नरुआ माँ ना मेरा वती स्टूडेंट सना सर्व करने वाले स्टूडेंट आने के अलावा मैं कराची भी टीचर्स अस्ता पंजाब लौट गए थे सारा दल लौट गए थे इवन हम तो कराची इधर लौट गए थे मैं टीचर्स नष्ट गया तो इधर स्टैंडर्ड टीचर अस्ते स्टैंडर्ड वो कराची माराची बेमाई कमो भले इधर टीचर्स और इधर एजुकेशन मेरिट ज्यादा बढ़ता मैं मेरिट कम लो है अगर मैं मेरिट ज्यादा भी तो माँ भी हमें स्टैंडर्ड कम्पीट कर करने मैं कम लो बलोचिस्तान अच्छे स्टूडेंट का है आ 90% आठ ना करना अब स्कूल नहीं अब कॉलेज नहीं अब एजुकेशन नहीं या कि स्टूडेंट को जैसे 90% कर या कि स्टूडेंट कराची है वहाँ कसानी है चमेदा होते की आ 90-80% आराम से आर्थ का अच्छा कसानी कराची कॉम्पिटिशन बलोचिस्तान कॉलेज को जम जो तो समझे तो ख्याल के सिस्टम है तो का चीजें तरह खराब थी गिलदत कहते हैं कि कमी या तो लोटे के हुकूमत की तरफ से चीजें आई तो कम शत्रु बहते मैं पहला तो कॉलेज तो का बाज अंचे इश्यूज बीतगा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल सारा बीतगा स्टूडेंट लेवल सारा बीतगा जो बाज प्रॉब्लम क्रिएट बीतगा आया ना टाइम भी बाज कंज्यूम होता है स्टूडेंट आना 6 साल 8 साल भी लगे था एमबीबीएस करने का मतलब नी 5 साल जैसे नी कमी माँ प्रोग्रेस इन छुट्टी मैं प्रिंसिपल चेंज बीता मैडम शहनाज मैं प्रिंसिपल ही और मैडम बाज शर कॉलेज चलाई नहीं गई और के यक्रोची दो स्टूडेंट भी क्या औशी क्लास वजीरे मना होती बैच 5 साल तो का फारिक कर गए मतलब आई होता है स्ट्रिक्ट बैच था कि मना क्लासेस आउट कर गई नया अगर पॉलिटिकल इशू है अस्ते तो आगे पॉलिटिकल इशू ओके मना प्रॉब्लम नहीं गेट अच्छे डन ना कॉलेज पॉलिटिकल इशू में करने था क्लास तो बिल्कुल नहीं गए क्लासेज होती रूल्स रेगुलेशन है दाश्त का और मना बास शब्द ये उम्मीद अस्ती कि अगर मैडम देखे 4.5 साल देवी तो मैं कॉलेज बाहर चलूंगी इंशाल्लाह जी बालूक सदर शुमे कॉलेज चुशी मसला अस्ता पॉलिटिक्स से हवाले या चुशी चीज बया है कि 5 साले एमबीबीएस कोर्स या तो का 6-7 साल भी लग गई नांगा तक तो चुश ना भी था बिल्कुल अमार बोला अमार ये रहा तो काय और हमारे फारिक बैग की बिल्कुल अमार ये नहीं फारिक कॉलेज एनवायरमेंट चुतो है बस है गर्ल्स कॉलेज ही ना और टीचर भी बस चल रहा तो बस पॉलिटिक्स से चुशी चीज है ना चुशी चीज से बलूचिस्तान बलूचिस्तान है हालात बीएमसी यूनिवर्सिटी आज मेडिकल टीचर्स मोस्टली पॉलिटिकल अच्छी दिख रहा पॉलिटिकल पॉलिटिकल इश्यूज स्टूडेंट आने का तो स्टूडेंट ज़रा बलोचिस्तान का प्रॉब्लम है जो बाज मन ख्याल आ प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस मकन ही बेहतर है पर स्टूडेंट लेवल है सारा तो आज स्टूडेंट होती है अबर आने सारा कभी सेकेंड डिवीजन वाला प्रॉब्लम है कभी फर्स्ट डिवीजन वाला तो हमें प्रॉब्लम आने बेसिस स्ट्राइक्स वगैरह बहन थे तो स्टूडेंट्स वत भी जाना कि मैं स्ट्राइक या जुशी चिंद्रे के प्रॉब्लम्स ना बोला चाहिए मैं वती ही जो समझे कि मैं वती टाइम्स आया पाएगी तो बाय दे अच्छा मकलन थे मले मजली इशू है कि मैं बलोचिस्तान वाला और इसके अलावा ये भी मैं इसको था कि टीचर भी वती चाहिए कल गए 80-90% बलोचिस्तान है जो टीचर रस्ता ट्रांसफर कल गए वो तरह यानी बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी टीचर है टारगेट के लेंगे शिकार बीतता तो ये इशू भी ऐसे ने बलोचिस्तान आवाज तो इसी शुम कॉलेज सर चीजें इफेक्ट बैग भी कॉलेज सारा अंग तक इफेक्ट नहीं बीता कि मैं कॉलेज मोस्टली टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन बलोच और पठान कम्युनिटी के बलोच और पठान आमोदन हिंदू का ब्रात कसी कसी फर्क न कमते तो आया नहीं इक्का फर्क नहीं इंचो के पंजाब एक टीचर ये चार अगे तो अमे वजह से कॉलेज टीचर्स अंग तक टीचर्स मैं कॉलेज अंग है
प्रॉब्लम रहती है, मतलब बलूचिस्तान मोस्टली जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी अस्ता होता है प्रॉब्लम है बोले चारों का है तो मैं जीरे वन डे ब्रेक के ब्रेकअप अच्छी होती मैं साड़ी में।